हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम हमारी क्वेश्चन लेक्चर सीरीज़ में डिस्कस करेंगे प्लांट पैथोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन। ये जो प्लांट पैथोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये प्री पीजी पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। बाकी वेरियस अनोदर एग्रीकल्चरल एग्जाम्स में भी इनसे क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस रहते हैं। तो हम यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हमने मेंशन किया है, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट यूज्ड मेथड फॉर एक्सक्लूजन ऑफ द पैथोजेंस आर। आप सभी को पता है कि प्रिंसिपल्स ऑफ प्लांट डिजीज मैनेजमेंट में हम एक प्रिंसिपल एक्सक्लूजन को भी पढ़ते हैं। तो इन में से कौन सा ऐसा मेथड्स है जो कि पैथोजन के एक्सक्लूजन से रिलेटेड है? ऑप्शंस आर केमिकल मेजर्स, रेगुलेटरी मेजर्स, बायोलॉजिकल मेजर्स या मैकेनिकल मेजर्स। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रेगुलेटरी मेजर्स जो हैं उनको हम पैथोजन के एक्सक्लूजन के लिए यूज़ करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है द मेथड्स ऑफ कंट्रोल बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ डायरेक्टली अटैकिंग द पैथोजन। इनमें से ऐसा कौन सा मेथड है जो कि किसी भी पैथोजन के डायरेक्ट अटैक से रिलेटेड है या डायरेक्ट अटैक को कंट्रोल करता है? ऑप्शंस आर अवॉइडिंग द कॉन्टैक्ट बिटवीन द पैथोजन एंड होस्ट। सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन समझना है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग ऐसा कौन सा प्रिंसिपल है जो कि किसी भी पैथोजन के डायरेक्ट अटैक को कंट्रोल करता है। फर्स्ट ऑप्शन बोलता है अवॉइडिंग द कॉन्टैक्ट बिटवीन द पैथोजन एंड होस्ट। पैथोजन और होस्ट के बीच के कॉन्टैक्ट को ही अवॉइड कर दिया जाए तो डायरेक्ट अटैक पैथोजन कर ही नहीं पाएगा। इट मीन्स इट इज करेक्ट। नेक्स्ट ऑप्शन इज प्लांट एंड फील्ड सैनिटेशन फॉर रिडक्शन ऑफ इनोकुलम। इनोकुलम कोई भी ऐसा पैथोजन का पार्ट जो डिजीज कोज करता हो, दैट इज इनोकुलम। तो अगर हम फील्ड से इनोकुलम को ही हटा देंगे तो वो भी डायरेक्ट अटैक को रोकेगा पैथोजन के। इट मीन्स इट इज ऑल्सो करेक्ट। नेक्स्ट है डिस्ट्रक्शन ऑफ पैरासाइट इफ इट इज सुपरफिशियली प्रेजेंट। अगर ऐसा कोई पैरासाइट प्रेजेंट है जिसके ऊपर जो पैथोजन है वो फॉर अ पर्टिकुलर टाइम सर्वाइव कर सकता है तो हम उसको भी हटा देंगे, तो इट इज ऑल्सो करेक्ट। तो इसका राइट आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अवॉइडिंग द कॉन्टैक्ट बिटवीन द पैथोजन एंड होस्ट वुडंट इंक्लूड। पैथोजन और होस्ट के कॉन्टैक्ट को अवॉइड करना है, उसमें इनमें से कौन सा इंक्लूड नहीं किया जाता? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इरेडिकेशन। क्योंकि इरेडिकेशन में हम पैथोजन और होस्ट के कॉन्टैक्ट को अवॉइड नहीं करते हैं, वो तो एक्सक्लूजन में करते हैं। या जो अवॉइडिंग द कॉन्टैक्ट बिटवीन द पैथोजन और होस्ट है वो हम अवॉइडेंस में करते हैं, ना कि इरेडिकेशन में। इरेडिकेशन में हम क्या करते हैं, इन्फेक्शन होने के बाद में पौधे को उखाड़ कर फेंकते हैं, दैट इज इरेडिकेशन। तो अवॉइडिंग के लिए इरेडिकेशन टर्म हम यूज़ नहीं करते। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वारंटाइन रेगुलेशंस आर एनफोर्स्ड बाई। आप सभी को पता होगा क्वारंटाइन क्या होता है। क्वारंटाइन का बेसिक सा मतलब होता है, इस वर्ड का मतलब है 40, और ये लीगल रेस्ट्रिक्शन है किसी भी कमोडिटी या वेजिटेटिव मटीरियल या फिर किसी भी कमोडिटी के ऊपर, एग्रीकल्चरल कमोडिटी के ऊपर, एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक जब हम उसको लेके जाते हैं तो उसको रेगुलेट करता है लीगली। तो क्वारंटाइन जो है वो दो तरीके का हो सकता है, डोमेस्टिक क्वारंटाइन हो सकता है, नेशनल क्वारंटाइन हो सकता है, मतलब एक कंट्री का क्वारंटाइन भी हो सकता है और स्टेट का भी हो सकता है। तो ऑप्शंस हैं ए कंट्री, बी स्टेट एंड सी स्टेट और कंट्री। तो इसका राइट आंसर होगा स्टेट और कंट्री दोनों के लिए क्वारंटाइन रेगुलेशंस को एनफोर्स किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द क्वारंटाइन रेगुलेशन एंटिसिपेट्स। क्वारंटाइन रेगुलेशंस क्या एंटिसिपेट करते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए कि डिजीज और पैथोजन जो है वो कंट्री में प्रेजेंट ही नहीं है। क्योंकि क्वारंटाइन हम बेसिकली, क्वारंटाइन में हम क्या करते हैं, एक ऐसे प्लेस पे जहाँ पर्टिकुलर एक पैथोजन पाया जाता है उस प्लेस से हम किसी दूसरे प्लेस जहाँ पर वो पैथोजन नहीं पाया जाता वहाँ पर उन कमोडिटीज़ के या उन वेजिटेटिव मटीरियल या सीडलिंग मटीरियल के एक्सपोर्ट या इम्पोर्ट को, या हम बोल सकते हैं उसकी सेलिंग को रोकते हैं। उस पर्टिकुलर जगह जहाँ पर वो पैथोजन नहीं पाया जाता वहाँ पर उनको नहीं जाने देते हैं। तो इट मीन्स द डिजीज और पैथोजन इज नॉट प्रेजेंट इन द कंट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सर्टिफिकेशन इज द मेथड ऑफ मैनेजमेंट ऑफ पैथोजन। सर्टिफिकेशन हम बेसिकली क्यों करते हैं, हम फार्मर्स को सर्टिफाइड सीड प्रोवाइड करवाते हैं और फार्मर्स को सर्टिफाइड सीड्स ही अवेलेबल होते हैं, उनका क्या मतलब होता है? तो वो सर्टिफाइड सीड्स एक मैकेनिज्म के थ्रू होके आते हैं जिसे बोलते हैं सर्टिफिकेशन। तो वो पैथोजन के मैनेजमेंट में किस तरीके से हेल्प करती है, तो वो अवॉइड करती है सर्टिफिकेशन की प्रोसेस कॉन्टैक्ट को बिटवीन पैथोजन एंड होस्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज ट्रू अबाउट सर्टिफिकेशन. सर्टिफिकेशन के लिए क्या चीज़ ट्रू है, ये हमने सर्टिफिकेशन के लिए एक अलग से वीडियो लेक्चर बना रखा है जिसमें सर्टिफिकेशन की पूरी प्रोसेस को हमने डिस्कस किया है कि किस तरीके से होकर पूरी प्रोसेस के थ्रू गुजरता है. तो फर्स्ट ऑप्शन है एज फार एज पॉसिबल ओनली सीड्स सर्टिफाइड एज पैथोजन फ्री आर अलाउड टू एंटर द कंट्री. मतलब ऐसे सर्टिफाइड सीड्स जो कि पैथोजन फ्री होते हैं कंट्री में सिर्फ उन्हीं को लाया जाता है, तो ये करेक्ट है. सेकेंड है अदर प्लांटिंग मटीरियल कैन बी अलाउड टू एंटर द कंट्री विदाउट सर्टिफिकेशन. नहीं, विदाउट सर्टिफिकेशन हम अलाउ नहीं करते हैं किसी भी प्लांटिंग मटीरियल को, तो ये गलत होगा. नेक्स्ट ऑप्शन है क्वारंटाइन इज नीडेड फॉर द सीड्स फ्रॉम फॉरेन कंट्री वाइल इट इज सर्टिफाइड. अगर कोई सीड्स जो है वो सर्टिफाइड हैं उसके बाद भी अगर हमें अदर कंट्री से इम्पोर्ट करने हैं सीड्स को, तो हम क्वारंटाइन को लगाते हैं, क्वारंटाइन लेजिस्लेशन को देखा जाता है. दैट इज करेक्ट. नेक्स्ट ऑप्शन इज क्वारंटाइन इज नॉट नीडेड फॉर द सीड. नहीं, क्वारंटाइन नीडेड होता है चाहे जो सीड्स हैं वो सर्टिफाइड हो, उसके बाद भी अगर हमें फॉरेन कंट्री से इम्पोर्ट करना है तो हम क्वारंटाइन लेजिस्लेशन को देखते हैं. नेक्स्ट ऑप्शन इज मीन्ट टू प्रिवेंट एग्जिस्टिंग पैथोजन्स. यस, अगर एक पर्टिकुलर प्लेस पर कोई एग्जिस्टिंग पैथोजन है तो उसको हम दूसरे प्लेस पर नहीं जाने दे सकते हैं डिजीज कोर्स करने के लिए, हम उसे उसी तक सीमित रखना चाहते हैं. तो एग्जिस्टिंग पैथोजन का प्रिवेंट के लिए भी सर्टिफिकेशन जरूरी है. तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1, 3 and 5 आर ट्रू. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ब्लैंक विल रिक्वायर एजुकेशन ऑफ द फार्मर्स. ऑप्शंस आर क्वारंटाइन प्रिवेंशन एंड सेल ऑफ प्लांट डिजीज सर्टिफिकेशन एंड नोटिफिकेशन ऑफ द प्लांट डिजीज. तो फार्मर्स के लिए प्लांट डिजीज के नोटिफिकेशन की रिक्वायरमेंट होती है. नेक्स्ट इज थ्योरिटिकली ब्लैंक इज द मोस्ट इफेक्टिव अप्रोच टू कीप पैथोजन्स अवे फ्रॉम द एरिया. एक पर्टिकुलर एरिया से हमें अगर दूर ही रखना है किसी भी पैथोजन को, तो उसके लिए इनमें से कौन सी प्रैक्टिसेस को हम अडॉप्ट कर सकते हैं. इरेडिकेशन नहीं हो सकता, क्योंकि इरेडिकेशन तो जो पैथोजन और होस्ट जो है वो कॉन्टैक्ट में आने के बाद इरेडिकेशन किया जाता है. फील्ड सैनिटेशन में वहाँ से किसी भी पैथोजन को रिमूव किया जाता है. और एक्सक्लूजन होगा जिसमें कि पैथोजन को उस पर्टिकुलर एरिया से दूर रखा जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा एक्सक्लूजन. नेक्स्ट क्वेश्चन और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एस ए आर स्टैंड्स फॉर. एस ए आर की फुल फॉर्म बहुत सारे एग्जाम्स में पूछी जाती है, तो इसका राइट आंसर होगा एस ए आर स्टैंड्स फॉर सिस्टमिक एक्वायर्ड रेजिस्टेंस. नेक्स्ट क्वेश्चन इज एस ए आर इज अप्रोच्ड थ्रू. एस ए आर सिस्टमिक एक्वायर्ड रेजिस्टेंस जो है वो किस अप्रोच के थ्रू काम करती है, तो ये बायोलॉजिकल एंड फिजिकल मीन दोनों अप्रोचेस के थ्रू काम करती है. तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ बायोलॉजिकल एंड फिजिकल मीन्स. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज नॉट अ टाइप ऑफ इरेडिकेशन. इरेडिकेशन का मतलब हमने देखा कि पैथोजन के इंट्रैक्शन के बाद में इरेडिकेशन होता है. इरेडिकेशन का निम्न में से कौन सा टाइप नहीं है. फर्स्ट ऑप्शन इज इरेडिकेशन ऑफ सीड बोर्न इनोकुलम. हाँ, हम कर सकते हैं, सीड्स को हटा सकते हैं. इरेडिकेशन ऑफ अल्टरनेटिव होस्ट. अल्टरनेटिव होस्ट जो हमें अगर पता है कि इस पर्टिकुलर पैथोजन का ये अल्टरनेटिव होस्ट है, तो हम उसे भी रिमूव कर सकते हैं. और इरेडिकेशन ऑफ डिजीज प्लांट, तो उसे भी हम रिमूव कर सकते हैं. तो इसका राइट आंसर ऑप्शन होगा ऑल आर ट्रू. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इरेडिकेशन मेथड ऑफ सीविंग स्टिपिंग इन ब्राइन आर. जो सीविंग स्टिपिंग ये सारे जो मेथड्स होते हैं इरेडिकेशन के, ये कौन से टाइप के कंट्रोल मेजर के रूप में यूज़ किए जाते हैं. तो इसका राइट आंसर होगा फिजिकल मेथड. जैसे बेसिकली आपके डिफरेंट टाइप के जो मेथड्स होते हैं किसी भी पैथोजन को कंट्रोल करने के, आइदर वो बायोलॉजिकल हो, वो मैकेनिकल हो, केमिकल हो, फिजिकल हो, तो इन सारे मेथड्स में जो मैक्सिमम क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं वो यही होते हैं. जैसे किसी इंसेक्ट के लिए पूछ लिया जाता है कि लाइट ट्रैप या फेरोमोन ट्रैप कौन सा मेथड है, किस मेथड में उसको यूज़ करते हैं, या फिर डीप प्लोइंग है, ये सारी चीज़ें कौन से मेथड के अंदर आती हैं. तो उसी तरीके से सीविंग और स्टिपिंग की जो प्रोसेसेस हैं उसे हम फिजिकल मेथड के अंदर इंक्लूड करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इंटरनली सीड बोर्न इन्फेक्शन कैन बी डिस्ट्रॉय बाय. आप सभी ने पढ़ा होगा कि जब सीड में इंटरनली इन्फेक्शन हो जाता है, तो हम उसके लिए स्पेशली हम दो चीज़ें तो करते ही करते हैं, या तो हम हॉट वाटर ट्रीटमेंट देते हैं इंटरनली सीड बोर्न डिजीजेस को, या हम सोलर एनर्जी ट्रीटमेंट देते हैं. और जैसे इंटरनली सीड बोर्न डिजीज का आपने एग्जाम्पल सुना होगा, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड फेवरेट एग्जाम्पल ऑफ एग्जामिनर्स इज
लूज इस मट ऑफ वेट जो है वो इंटरनली सीड बोन डिजीज है, तो इसके लिए हम हॉट वाटर से भी ट्रीट कर सकते हैं, सोलर एनर्जी ट्रीटमेंट भी दे सकते हैं, और कुछ सेलेक्टेड एंटीबायोटिक्स या फिर सिस्टेमिक फंजीसाइड्स को यूज करके भी हम इंटरनली सीड बोन इन्फेक्शन को मैनेज कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्लांट एंड फील्ड सैनिटेशन फॉर रिडक्शन ऑफ इनोकुलम एंटीसिपेंट्स। हमें इनोकुलम को रिड्यूस करना है तो कौन से प्लांट और फील्ड सैनिटेशंस जो हैं, या फिर हम बोल सकते हैं कि इनोकुलम एंटीसिपेट्स जो है, इनोकुलम के बारे में जो आइडिया लगाया जाता है कि इनोकुलम जो है वो फील्ड में प्रेजेंट है, उसके लिए जो प्लांट और फील्ड सैनिटेशन प्रोसेसेस की जाती हैं वो क्या आइडिया लगा के की जाती हैं। तो उसमें ये देखा जा, उसमें ये मान लिया जाता है कि पैथोजन उस पर्टिकुलर एरिया में एंटर कर चुका है और उस फील्ड के साथ में वो एस्टेब्लिशमेंट पैथोजन का हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इरेडिकेशन ऑफ प्लांट डिजीज मीन। अगर हम इरेडिकेशन वर्ड बोलते हैं कि हमने प्लांट डिजीज का इरेडिकेशन कर दिया है, इसका मतलब क्या है? द ऑप्शंस आर प्लांट हाइजीन इनविजिजेज द रिमूवल ऑफ डिजीज पार्ट, यानी कि डिजीज पार्ट को रिमूव कर दिया गया है, और सेकेंड वन इज रिमूवल ऑफ एंटायर प्लांट फ्रॉम द विग्निटी ऑफ द हेल्दी प्लांट्स। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी। हम डिजीज पार्ट्स, हम प्लांट हाइजीन को मेंटेन करने के लिए डिजीज प्लांट का रिमूवल करेंगे, उसको भी रेडिकेशन बोलेंगे, और अगर हम हेल्दी प्लांट्स को मेंटेन करने के लिए, अगर हम पूरे जो इन्फेक्टेड प्लांट है उसको पूरी तरीके से रिमूव करते हैं तो उसे भी हम इरेडिकेशन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इरेडिकेशन ऑफ अल्टरनेटिव होस्ट इज डन। अल्टरनेटिव होस्ट का इरेडिकेशन क्यों किया जाता है? अब आपको भी पता है कि जब ऑफ सीजन होगा तब पैथोजन जो है वो अल्टरनेट होस्ट के ऊपर सर्वाइव करने लग जाता है, तो हमें अल्टरनेट होस्ट को अगर हम हटा देंगे वहां से तो क्या होगा, जो पैथोजन है वो ऑफ सीजन में सर्वाइव नहीं कर पाएगा और वो नेक्स्ट सीजन में अपनी जो क्रॉप है, इंटरेस्टेड क्रॉप है, उसके ऊपर वो पैथोजन इन्फेक्शन नहीं कर पाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा टू प्रिवेंट द प्रिपिटेशन ऑफ द पैथोजन एंड टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ द डिजीज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फील्ड सैनिटेशन प्रैक्टिसेस में इंक्लूड। फील्ड सैनिटेशन का मतलब है कि हमें खेत को साफ सुथरा रखना है, उसके लिए कौन कौन सी प्रैक्टिसेस की जा सकती हैं? तो इसमें डीप प्लोइंग भी आती है, इसमें डिफरेंट जो प्लांट डेब्रीज हैं उनका रिमूवल या उनको डिसइंफेक्टेंट भी आता है, इसमें क्रॉप रोटेशन, ऑर्गेनिक अमेंडमेंट्स को ऐड करना, ये सारी चीज़ें जो हैं ये फील्ड सैनिटेशन के अंतर्गत इन्वॉल्व की जाती हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4। हम हॉट वेदर डीप प्लोइंग भी कर सकते हैं, फॉलन प्लांट डेब्रीज को डिसइंफेक्ट करके उनको भी नष्ट कर सकते हैं, रोटेशन कर सकते हैं, ऑर्गेनिक अमेंडमेंट को ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ फील्ड सैनिटेशन। हम फील्ड सैनिटेशन क्यों करते हैं? बेसिकली एक तो हम फील्ड सैनिटेशन इसलिए करते हैं कि अगर फील्ड में कोई भी पैथोजन का इनोकुलम प्रेजेंट होगा या सोर्स ऑफ इन्फेक्शन प्रेजेंट होगा तो हम उसे कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर पाएं। दूसरा हम इसलिए करते हैं कि अगर थोड़ा बहुत इन्फेक्शन प्रेजेंट है तो मे भी थोड़ा पार्शियली डिस्ट्रॉय हो जाए। तो इसमें दोनों चीज़ें आती हैं, या तो हम कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय करने के लिए या तो पार्शियली डिस्ट्रॉय करने के लिए फील्ड सैनिटेशन को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रोटेक्टिव एप्लीकेशन आर अंडरटेकन विद द अजम्पशन दैट। प्रोटेक्टिव एप्लीकेशन जो हैं, जो प्रोटेक्टिव एग्रीकल्चर में हम देखते हैं, उनको क्यों अडोप्ट किया जाता है? ताकि हम पर्टिकुलर, देखिए एक पैथोजन की एंट्री को हम बहुत हद तक अवॉइड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये विंड बोर्न डिजीजेज भी हो सकती हैं और हो सकता है कि उसके आस पास प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्सेज हो। तो प्रोटेक्टिव एप्लीकेशन ये सोच के किया जाता है कि पर्टिकुलर पैथोजन को 100% अवॉइड नहीं किया जा सकता, और ये मान के किया जाता है कि कहीं ना कहीं प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनोकुलम यहाँ पर प्रेजेंट हो सकता है, तो हमें प्रोटेक्टिव एप्लीकेशन को यूज़ करना चाहिए बिफोर द इन्फेक्शन ऑफ पैथोजन। जब तक हमें फील्ड में पैथोजन का इन्फेक्शन नहीं दिख जाता, उससे पहले ही हमें प्रोटेक्टिव एप्लीकेशन को अडोप्ट करना चाहिए ताकि हम मिनिमम डैमेज को एंश्योर कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वेटेबल पाउडर इट मीन्स WP कंटेंट्स। जो वेटेबल पाउडर फॉर्म में वेटेबल पाउडर होता है उसमें कितनी एक्टिव इंग्रेडिएंट होती है? एक्टिव इंग्रेडिएंट का मतलब होता है कि उतनी तो उस पर्टिकुलर केमिकल की एक्टिव कंसंट्रेशन होगी और बाकी जितनी कंसंट्रेशन बचेगी वो सारे कैरियर मटीरियल के रूप में होंगे। तो वेटेबल पाउडर में 60-80% एक्टिव इंग्रेडिएंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डस्ट फॉर्मुलेशंस में कितनी एक्टिव इंग्रेडिएंट होती है? तो डस्ट फॉर्मुलेशन में 4-10% तक एक्टिव इंग्रेडिएंट प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज ट्रू अबाउट ईसी एंड फंजीसाइड्स। ईसी मींस इमल्सिफायर कंसंट्रेट एंड फंजीसाइड्स के लिए क्या ट्रू है?
तो फंजीसाइड्स जो होते हैं बेसिकली, अगर हम कॉमन फंजीसाइड्स की बात करें, तो वो इसी के रूप में फॉर्मुलेटेड नहीं होते हैं, वो इमल्सीफायर कंसनट्रेट के रूप में फॉर्मुलेट ना करके अदर, जैसे वेटेबल पाउडर के फॉर्म में और इस तरीके से फॉर्मुलेटेड किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द परसेंटेज ऑफ एक्टिव इंग्रेडिएंट इन ग्रेन्यूल्स इज लो एज कंपेयर टू डस्ट फॉर्मुलेशन। इट मीन्स डस्ट फॉर्मुलेशन में जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होती है वो ग्रेन्यूल्स की तुलना में ज्यादा होती है। विच इज ट्रू अबाउट सॉल्यूशंस। सॉल्यूशन आपको पता है, दो जो मटेरियल्स होते हैं उनके मिक्सचर को हम सॉल्यूशन बोलते हैं, जिसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट होते हैं। तो सॉल्यूशन के बारे में इसमें ट्रू पूछा है, तो सॉल्यूशन के लिए हमें कोई भी एजिटेशन या मिक्सिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती है आफ्टर एडिंग इन वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द परसेंटेज ऑफ ए आई एक्टिव इंग्रेडिएंट इन सस्पेंशन इज। सस्पेंशन आप सभी को पता होगा, जब हम दो चीज़ों को मिक्स करते हैं तो लिक्विड में वो सॉलिड जब घुलता नहीं है और मिक्सिंग हो जाती है उनकी, तो उस चीज़ को बोलते हैं सस्पेंशन। तो सस्पेंशन में एक्टिव इंग्रेडिएंट जो है वो वेटेबल पाउडर के सिमिलर होती है, इट मीन्स ये 60-80% तक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज ट्रू अबाउट सस्पेंशंस। सस्पेंशंस के बारे में क्या चीज़ वो है, तो इनको वाटर के साथ में मिक्स करने की रिक्वायरमेंट पड़ती है, इनके लिए एजिटेशन की रिक्वायरमेंट पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज नॉट अ टाइप ऑफ फॉर्मुलेशन ऑफ सिंथेटिक केमिकल। सिंथेटिक केमिकल का कौन सा फॉर्मुलेशन जो है वो इनमें से नहीं है, तो ना तो डस्ट है सिंथेटिक केमिकल का, ना सलरीज है, ना ग्रेन्यूल्स है, सारे जो हैं ये फॉर्मुलेशंस हैं। नेक्स्ट है विच इज अ टाइप ऑफ मटेरियल यूज्ड फॉर केमिकल कंट्रोल। केमिकल कंट्रोल के लिए हम क्या कर सकते हैं, केमिकल्स को हम स्प्रे भी कर सकते हैं, उनकी डस्टिंग भी कर सकते हैं, और केमिकल्स को हम सोयल और सी ट्रीटमेंट के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज स्प्रे मटीरियल। फंजीसाइड एज WP, ये जो है ये स्प्रे मटीरियल की तरह हम यूज़ करते हैं। वेटेबल पाउडर जो फंजीसाइड होता है उसको हम स्प्रे मटीरियल के रूप में यूज़ करते हैं। द स्प्रे मटीरियल्स आर यूज एज, राइट आंसर इज प्लांट सरफेस प्रोटेक्टिव मटीरियल के रूप में हम स्प्रे मटीरियल्स को यूज़ करते हैं। इसके अलावा जो डस्ट मटीरियल्स होते हैं उनको हम प्लांट सरफेस प्रोटेक्टिव मटीरियल के रूप में यूज़ करते हैं, और ये इनसॉल्यूबल पाउडर्स होते हैं। अब डस्ट स्प्रे मटेरियल्स और डस्ट मटेरियल्स में डिफरेंस क्या हुआ कि स्प्रे मटेरियल्स जो होते हैं वो बेसिकली सॉल्यूबल फॉर्म में होते हैं, जबकि डस्ट मटेरियल्स जो हैं वो इनसॉल्यूबल पाउडर्स होते हैं, और दोनों ही प्लांट सरफेस प्रोटेक्टिव मटेरियल के रूप में यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सी ट्रीटमेंट मटीरियल्स आर यूज एज। सी ट्रीटमेंट मटीरियल्स को ड्राई पाउडर्स के रूप में भी यूज़ किया जा सकता है, डिपिंग भी की जा सकती है, सलरीज भी बनाई जा सकती है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन द बेसिस ऑफ देयर टेनेसिटी। टेनेसिटी का मतलब होता है तन्मयता, जिसको हम बोलते हैं, उसके अकॉर्डिंग सीड ट्रीटमेंट मटेरियल्स कितने तरीके के हो सकते हैं, तो ये दो तरीके के सीड ट्रीटमेंट मटेरियल हो सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टेनेसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज नॉट अ टाइप ऑफ सीड ट्रीटमेंट मटीरियल। सीड ट्रीटमेंट मटीरियल का निम्न में से कौन सा टाइप नहीं है, तो सीड ट्रीटमेंट सीड डिसइंफेक्टेंट्स होते हैं उनको भी हम सीड ट्रीटमेंट बोलते हैं, सीड प्रोटेक्टेंट्स होते हैं उनको भी हम सीड ट्रीटमेंट मटीरियल बोलते हैं, बट सीड को कवर करने वाले जो मटीरियल्स होते हैं, सीड कवर्स, उनको हम सीड ट्रीटमेंट मटीरियल नहीं बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज ट्रू अबाउट सीड डिसइंफेक्टेंट। तो सीड डिसइंफेक्टेंट जो होते हैं वो लंबे समय, देखिए दो टर्म्स आती हैं, एक आता है सीड डिसइंफेक्टेंट, एक आता है सीड प्रोटेक्टेंट। दोनों में बेसिक सा डिफरेंट है कि सीड डिसइंफेक्टेंट जो होते हैं वो सीड को डिसइंफेक्ट कर देते हैं, और उसके बाद में जब सीड की शोइंग कर दी जाती है तब भी वो लॉन्ग समय तक सीड को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं, वो एक्टिव रहते हैं सोइल में। जबकि सीड प्रोटेक्टेंट जो हैं वो डिसइंफेक्टेंट तो करते ही हैं सीड का, लेकिन फिर जब सीड की शोइंग कर दी जाती है तो वो बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए एक्टिव होते हैं, और वो सिर्फ टेम्परेरी प्रोटेक्शन देते हैं जब सीड की प्लांटिंग कर दी जाती है। तो विच इज़ ट्रू अबाउट सीड डिसइंफेक्टेंट, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। डिसइंफेक्टेंट्स द सीड एंड रिमेन एक्टिव फॉर लॉन्ग आफ्टर सीड हैज़ प्लांटेड। लंबे समय तक सीड को प्रोटेक्ट करते हैं। जबकि नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ ट्रू अबाउट सीड प्रोटेक्टेंट। सीड प्रोटेक्टेंट्स क्या करते हैं, सीड को प्रोटेक्ट करते हैं, डिसइन्फेक्ट करते हैं, लेकिन एक टेम्परेरी प्रोटेक्शन देते हैं जब सीड की प्लांटिंग कर दी जाती है उसके बाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर अबाउट सोइल ट्रीटमेंट केमिकल्स। ऑप्शंस आर कंप्लीट कंट्रोल ऑफ द प्लांट डिजीज इज ऑप्टेंड। नहीं, हम कभी भी 100% डिजीज का कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, इसीलिए हम कंट्रोल की जगह डिजीज मैनेजमेंट की बात करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट ऑप्शन इज कंप्लीट कंट्रोल ऑफ द प्लांट डिजीज इज नॉट ऑब्टेंड. नहीं, सोयल ट्रीटमेंट केमिकल से हम कंप्लीट कंट्रोल ऑफ प्लांट डिजीज को ऑप्टेन नहीं कर सकते, तो ये राइट ऑप्शन होगा. नेक्स्ट ऑप्शन इज द फंगल डिजीज इज सप्रेस्ड बाय द केमिकल, तो ये भी राइट है कि केमिकल्स जो फंजीसाइड्स को हम यूज़ करते हैं फंगल डिजीज के अगेंस्ट, उससे फंगल डिजीजेस को सप्रेस किया जा सकता है, तो ये राइट ऑप्शन होगा. नेक्स्ट ऑप्शन इज द फंगस ऑलवेज किल्ड बाय द केमिकल, कोई जरूरी नहीं है, बहुत सारे नंबर ऑफ फंजीसाइड्स जो है वो मार्केट में अवेलेबल हैं, पर हर फंजीसाइड हर फंगस के ऊपर काम करे या हमेशा फंगस को मार दे ये जरूरी नहीं है. नेक्स्ट ऑप्शन इज निमेटिसाइड डिस्ट्रॉय द निमेटोड्स बाय एग एस्केप. बेसिकली निमेटिसाइड्स की जो वर्किंग प्रॉपर्टी होती है वो यही होती है कि वो एग एस्केप के थ्रू निमेटोड्स को कंट्रोल करते हैं, तो फिफ्थ ऑप्शन भी करेक्ट होगा. तो इसके अकॉर्डिंग हमारा राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ओनली 2, 3 and 5 आर ट्रू. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉलोइंग पॉइंट शुड बी कंसिडर्ड एट द टाइम ऑफ डिसाइडिंग अबाउट शू ऑफ सोयल ट्रीटमेंट केमिकल्स. तो देखो इसका मतलब हुआ कि हमें जब हम सोयल ट्रीटमेंट केमिकल्स की बात करते हैं तो उनको खराब बताने से पहले उनके बारे में कौन कौन से पॉइंट्स हमें कंसिडर करने चाहिए. हमें उस पर्टिकुलर केमिकल की टॉक्सिसिटी के बारे में पता होना चाहिए, वो पर्टिकुलर कितने परसेंट पैथोजन्स के अगेंस्ट इफेक्टिव है वो पता होना चाहिए, और दूसरा वो नॉन टारगेट पैरासाइट्स जो हैं, क्योंकि हमें तो हमें ऑब्वियस ही बात है हमेशा टारगेट पैथोजन को ही किल करना होता है, टारगेट जो इंसेक्ट या पेस्ट है उसे ही किल करना होता है, तो पर्टिकुलर नॉन टारगेट पैरासाइट्स के लिए उस पर्टिकुलर सोयल ट्रीटमेंट जो केमिकल्स हैं वो कितने पॉसिबल स्टिमुलेशन देते हैं. तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हमें ये तीनों चीज़ें ही देखनी होती हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है. पीसीएनबी, इसका दूसरा नाम पूछा जाता है जिसे क्विंटाजोन बोलते हैं. पीसीएनबी जो है वो एक फंजीसाइड है जिसको बेसिकली सोयल ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किया जाता है, यूज़ किया जाता था हम बोल सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा परसिस्टेंट होता है सोइल में, हाईली परसिस्टेंट होता है, यानी कि ये अपनी केमिकल जो प्रॉपर्टी है उसको सोइल में छोड़ देता है जिसके रेजिडुअल इफेक्ट बाद में देखने को मिलते हैं. तो पीसीएनबी के आपको दूसरा नाम ध्यान में रखना है, और ये एक फंजीसाइड है. पीसीएनबी को क्विंटोजोन के नाम से जानते हैं और ये बहुत हाईली परसिस्टेंट होता है सोइल में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन प्रेजेंट सोइल फ्यूमिगेंट्स आर ऑफ. सोइल फ्यूमिगेंट्स दो तरीके के होते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज एन आउटडेटेड टाइप ऑफ सोयल फ्यूमिगेंट. तो केमिकल फ्यूमिगेंट्स जो हैं वो आउटडेटेड टाइप के हैं अगर हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें, क्योंकि उनकी एक पर्टिकुलर हम बोल सकते हैं एक पर्टिकुलर वैलिडिटी होती है उनकी, जबकि बायो फ्यूमिगेंट्स और मायोको फ्यूमिगेंट्स जो होते हैं वो हमेशा एनवायरमेंट के अगेंस्ट नहीं जाते हैं एज कम्पेयर टू केमिकल फ्यूमिगेंट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज ट्रू अबाउट सोयल फ्यूमिगेंट्स. ऑप्शंस आर ऑन अ स्मॉल स्केल द केमिकल इज ऑफन अप्लाइड टू द सोइल विच इज देन कन्वर्टेड विद पॉलीथीन शीट फॉर अ स्पेसिफिक टाइम. हाँ, जो सोइल, पहली बात तो सोइल फ्यूमिगेंट्स होते ही क्या हैं, ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस जिनको जब हम सोइल में अप्लाई करते हैं तो वो एक गैस को रिलीज करते हैं, और उस गैस की हेल्प से डिफरेंट जो पैथोजेंस हैं उनकी उनको किल किया जाता है. ठीक है, तो इस ये मतलब होता है सोयल फ्यूमिगेंट्स का. तो जब हम स्मॉल स्केल पे केमिकल को अप्लाई कर रहे हैं सोयल में, तो हमें चाहिए कि हम एक पर्टिकुलर टाइम के लिए जहाँ पर भी केमिकल को अप्लाई किया है वहाँ पर हम उसे पॉलीथीन शीट से ढक दें, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज ट्रू अगेन अबाउट सोयल फ्यूमिगेंट्स. तो अगर हम लार्ज स्केल के जो प्रीवियस क्वेश्चन था उसमें हमने डिस्कस किया कि जो सोइल फ्यूमिगेंट्स हैं उनको अगर एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए या एक स्मॉल स्केल पे स्मॉल स्केल या हम बोल सकते हैं एक छोटे एरिया में अगर उसको अप्लाई किया तो उसमें उसको हमें पॉलीथीन सीट से कवर कर देना चाहिए, लेकिन अगर हम इसे लार्ज स्केल पे सोइल की सरफेस के ऊपर इसका एप्लीकेशन कर रहे हैं सोइल फ्यूमिगेंट्स का, तो ट्रीटमेंट को फॉलो करते हुए हमें इसकी सरफेस की पैकेजिंग की रिक्वायरमेंट पड़ती है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फंजीसाइडल पेस्ट. फंजीसाइडल जो पेस्ट होते हैं
वो यूज इन ड्रेसिंग ऑफ प्रून सरफेस ऑफ द ट्री. हाँ, फंजीसाइड का पेस्ट हमने, जैसे हमने बोर्डेक्स मिक्सचर का पेस्ट बना लिया, तो बोर्डेक्स मिक्सचर के पेस्ट को हम क्या कर सकते हैं, जहाँ पर प्रूनिंग की है वहाँ पर भी इसका एप्लीकेशन कर सकते हैं. नेक्स्ट है प्रिपेयर्ड बाई यूजिंग कॉपर सल्फेट प्लस लाइम. हाँ, हम बोर्डेक्स मिक्सचर की बात कर रहे हैं तो कॉपर सल्फेट और लाइम का यूज़ करके हम इसको प्रिपेयर कर सकते हैं. नेक्स्ट इज प्रिपेयर बाई यूजिंग कॉपर कार्बोनेट प्लस रेड लीन. हाँ, इससे भी हम बना सकते हैं फंजीसाइडल पेस्ट. एंड नेक्स्ट इज लेनोलिन इज यूज एज सुटेबल एड. तो ये भी करेक्ट है. तो इसका मतलब होगा कि ये सारे जो ऑप्शन हैं ये करेक्ट हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज एन एंटीबायोटिक यूज्ड फॉर प्लांट प्रोटेक्शन. देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ एंटीबायोटिक्स. एंटीबायोटिक्स का बेसिक सा मतलब क्या होता है? बेसिकली हम सोचते हैं कि एंटीबायोटिक्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जो कि बैक्टीरिया को मैनेज करने के लिए यूज किए जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है. एंटीबायोटिक की अगर हम एक्यूरेट डेफिनेशन देखें तो एंटीबायोटिक वे सब्सटेंसेस होते हैं जो एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्रोड्यूस होते हैं, फिर चाहे वो बैक्टीरिया या फंगस कुछ हो सकता है, और दूसरे अनोदर बैक्टीरिया अनोदर जो बैक्टीरिया है या जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनके अगेंस्ट हम यूज़ करते हैं. तो फिर वो कभी कभी हम फंगस के अगेंस्ट भी, एक दो ऐसे एग्जांपल्स हैं फंगल एंटीबायोटिक्स के भी जिनको हम फंगस के अगेंस्ट भी यूज़ करते हैं. तो आपके कॉन्सेप्ट इसके लिए एकदम क्लियर होना चाहिए. तो स्ट्रेप्टोमाइसिन हो गया, चाहे ग्रीसोफिलिन हो गया, चाहे एक्टिडायन हो गया, ये सारे जो हैं ये एंटीबायोटिक्स के ही एग्जाम्पल हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज ट्रू अबाउट प्लांट एंटीबायोटिक्स. प्लांट एंटीबायोटिक्स जो होते हैं उनको स्प्रे मटेरियल के लिए यूज कर सकते हैं, उनका सिस्टमिक एक्शन होता है और वो बहुत कम कंसंट्रेशन में यूज किए जाते हैं. तो ये सारी चीज़ें ही एंटीबायोटिक्स के लिए राइट हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सिस्टेमिक फंजीसाइड्स हैव. सिस्टेमिक फंजीसाइड का क्यूरेटिव इफेक्ट होता है ना कि प्रोटेक्टिव. सिस्टेमिक जो फंजीसाइड्स होते हैं उनका क्योर यानी कि उपचार वाला जो इफेक्ट है वो देखने को मिलता है सिस्टेमिक फंजीसाइड्स का. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टाइप ऑफ फंजीसाइड इज पोटेंशियली मोस्ट इफेक्टिव एंड इकोनॉमिकल. तो सिस्टमिक फंजीसाइड्स जो होते हैं वो ज़्यादा सिस्टमिक फंजीसाइड्स का मतलब जो पूरे प्लांट के सिस्टम में चले जाएंगे, पूरे जो प्लांट है वहाँ पर, चाहे वो लीव्स हो चाहे वो स्टेम्स हो, पूरे सिस्टम में जाकर उसके बाद पैथोजन को किल करते हैं, डिजीज को सप्रेस करते हैं. तो सिस्टमिक फंजीसाइड्स मोस्ट पोटेंशियली हैं और इकोनॉमिकल हैं. लेकिन हम बोलते हैं कि सिस्टमिक फंजीसाइड बेसिकली अगर ह्यूमन कंजप्शन की बात करें, कि पर्टिकुलर ह्यूमन कंजप्शन के लिए देखा जाए, तो ऐसी क्रॉप्स जो ह्यूमन कंजप्शन के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल हैं उनमें हम सिस्टमिक फंजीसाइड्स को अवॉइड करने की सोचते हैं, क्योंकि ये काफ़ी हेल्थ के लिए काफ़ी नुकसानदायक हो सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पैथोजन ऑफन डेवलप रेजिस्टेंस अगेंस्ट. सिस्टमिक फंजीसाइड्स के अगेंस्ट पैथोजन जो है वो रेजिस्टेंस भी डेवलप कर सकता है. आप एक ही एक अगर फंजीसाइड को बार बार एक सेम कंसंट्रेशन में अगर अप्लाई करते रहेंगे तो हो सकता है कि वो पैथोजन जो है वो रेजिस्ट हो जाए, वो ऐसे जीन्स को डेवलप कर दे जो उसके उस पर्टिकुलर सिस्टमिक फंजीसाइड के खिलाफ रेजिस्टेंस पैदा करता हो. तो इसका राइट आंसर होगा सिस्टमिक फंजीसाइड्स.